हिंदू धर्म में गोपाष्टमी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण और गौ माता की उपासना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर बेटमा में शनिवार को गौशाला सेवा बदीपुरा बालाजी धाम में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षित और आकर्षक रूप से सजाया गया। अन्नकूट महोत्सव के हुए आयोजन में भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण की। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष श्री राम जानकी गौ सेवा धाम समिति गोपाष्टमी के पावन पर्व पर विशाल भंडारे का आयोजन करती है और यहाँ पर राम भाजी के नाम से विशेष सब्जी प्रसाद बनाई जाती है, जिसे ग्रहण करने के लिए नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। 600 से अधिक गायों की सेवा कर रहे यह श्री राम जानकी गौशाला 4 अन्य गौशालाओं का भी संचालन कर रही है। साथ ही नगर और क्षेत्र में गाय की दुर्घटना होने पर गो एम्बुलेंस की सुविधाएं भी समिति द्वारा दी जाती है। वहीं गाय के बीमार होने पर औषधालय की सुविधाएं भी यहां उपलब्ध है। इस गौशाला में पिछले 24 वर्षों से गौ सेवक सुरेश जत्ताप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।